हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग रेडिश यानी कि मूली से फेस पैक बनाएंगे। सो, ये फेस पैक आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाएगा। साथ ही आपके स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को कम्प्लीटली रिमूव कर आपके स्किन टोन को भी इवन बनाएगा। ये आपके डार्क पैचेस, एज स्पॉट्स और यहाँ तक कि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ये आपके एक्ने और पिंपल्स को क्योर करेगा। ये आपकी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाएगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और बहुत ही ज़्यादा रेडिएंट दिखाई देने लगेगी। तो आइए इस अमेजिंग फेस पैक को बनाना शुरू करते हैं। रेडिश फेस पैक बनाने के लिए मैंने ये एक मीडियम साइज की रेडिश यानी कि मूली ले ली है। साथ ही मैंने इसके छिलके को अलग निकाल दिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें मूली के इस तरह छोटे छोटे पीसेस करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने मूली को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक क्लीन बोल में ये एक बड़ा चम्मच राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा लेंगे। चावल का आटा हमारी स्किन पर एज एक्सफोलिएटर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारी स्किन को डीप क्लेंस करता है और साथ ही हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी ड्राई डल फ्लेकी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। साथ ही इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इसलिए हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को भी एकदम जड़ से खत्म कर देता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, इसलिए हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग भी बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये 2 चम्मच मूली का पेस्ट ऐड करेंगे। मूली हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती है और साथ ही हमारे एक्ने और पिंपल्स को भी क्योर करती है। और अब हम लास्ट में इसमें ये आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन को कम्प्लीटली रिमूव कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है और साथ ही हमारे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देखिए, हमारा फेस पैक बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब कैसे अप्लाई करना है। तो इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, पैक लें और इसे अपने पूरे फेस और नेक एरिया पर इस तरह इवनली अप्लाई करें। और इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस पैक के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके लगभग 2-3 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। आपके स्कार्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और सनटैन भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। आपके एक्ने और पिंपल्स तो क्योर होंगे ही, साथ ही आपको आपकी स्किन पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल भी फील होने लगेगी। तो आप इस अमेजिंग फेस पैक को ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।